बिरला एयरकॉन पेश करते हैं स्टेनलेस स्टील से निर्मित बिरला एयरकॉन वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर चिलर, आरओ सिस्टम्स एवं फ्रीजर ऑन व्हील्स। कभी न गले सालों साल चले, आइए नवीन इलेक्ट्रिकल्स, पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ। मेरठ के ऋषभ एकेडमी में इन दिनों शिक्षण कार्यक्रम राजनीति अधिक हो रही है। आपसी तनातनी वे बंदर बाट को प्राथमिकता देते हुए वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। फीस के लिए धूप में खड़ा करने की घटना के बाद आज एक महिला टीचर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। टीचर ने प्रधानाचार्य से इसकी शिकायत की तो आरोप है कि उन्हें बंधक बना लिया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महिला को मुक्त कराया। टीचर ने सीधा आरोप लगाए गए कि संजय जैन आदि मिलकर उन शिक्षिकाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ का विवाद न होकर यह वेतन से जुड़ा मामला है। आपको याद दिला दें कि फर्स्ट बाइट ने मेरठ के वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ एकेडमी के भीतर चल रहे घोटाले दर घोटाले की पोल खोलकर समाज के सामने रख दी थी। मेरठ कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने जिन 15 लोगों की कमेटी एकेडमी के संचालन के लिए बनाई थी उनमें से अधिकांश अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बाद में खुद पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल सदर पुलिस ACM आदि इस कमेटी को औचित्यहीन बता चुके हैं, बावजूद इसके अजय जैन एकेडमी के सर्वे सर्वा बने रहे। किस अधिकार से यह खुद अजय जैन को भी नहीं पता था, लेकिन उनका लट धूल में बराबर चलता रहा। स्कूल प्रबंधक रंजीत जैन अभी तक जेल में है जबकि प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज जमानत पर बाहर आ चुकी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद CA संजय जैन के प्रवेश पर भले ही रोक लगा दी गई हो लेकिन सिर्फ कागजी। हालात यह है कि टीचर को वेतन कुछ और दिया जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। यह रंजीत जैन के समय से ही होता चला आ रहा है। कुर्सी पर बैठने वाले बदल रहे हैं लेकिन अकादमी में व्याप्त भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है। आज हुए ताजा विवाद के बाद वहां हंगामे के हालात रहे। मौके पर शिक्षिका ने यह जानकारी दी। मैं त्रिवेणी जैन, मैं हूँ एक होम साइंस टीचर, HOD की पोस्ट पे यहाँ काम कर रही हूँ 10 सालों से। और मेरे साथ 2-3 दिन पहले गौरव राजपूत ने कंप्यूटर रूम में बदतमीजी की, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की और छेड़खानी तक करने की कोशिश की। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बदतमीजी की इतनी हदें पार कर दी कि मेरा BP हाई हो गया, मुझे हार्ट प्रॉब्लम तक होने को शुरू हो गई। मैं ये कंप्लेंट करने के लिए जब प्रिंसिपल ऑफिस आई तो उन्होंने मेरी ही गलती निकाली, उसे बचाया गया और उसे बचा के आज भी, और मुझे इस तरह से धमकी दी गई कि अगर तुमने इसे नहीं बचाया, इसके लिए कंप्लेंट करी, स्कूल कंप्लेंट भी की, तो आपको निकाल दिया जाएगा। एक कंप्यूटर टीचर है TGT में, ठीक है। और आज जब मैं आम स्कूल आई तो मुझे सिग्नेचर भी नहीं करने दिए, कह दिया गया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैंने इसके उसमें आवाज़ उठाई कि गलती मेरी तो थी नहीं, आप उसे ही बचा रहे, तो कह रहे हमें नहीं पता कुछ, हमें आप यहाँ से जाओ। जब मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया तो हस्बैंड को भी उल्टी सीधी बातें उन्होंने सुनाई, फिर हस्बैंड को बाहर निकाल दिया और मुझे अंदर बंधक बना लिया गया। और इस बुरी तरह से यहाँ ये लोग टीचरों को प्रताड़ित करते हैं कि हमें सैलरी कुछ दी जाती है और 8,000 रुपये हमसे वापस ले लिए जाते हैं। हर एक टीचर अगर उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश करती है तो फिर संजय जैन, मुकेश कुमार, रेनू, चारू, भावना, आवेश और क्या कहते हैं ये सारे ही टीचर उस टीचरों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें फिर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, नहीं तो फिर जान से मारने की धमकी देते हैं। और जैसा मेरा हाल हुआ आप देख सकते हैं, वैसे टीचरों को डराया और धमकाया जाता है। मैं सुबह जब स्कूल का जो टाइम था वही मैं 7:15 बजे आई थी, जब से ही मैं, आप भी क्या टाइम हो गया, तब तक मैं बंधक ही थी, आप ही के सामने मुझे खोला गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।